अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल, एमकेएस एंड एपीएस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, एमकेएस टू एमकेएस कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, एपीएस टू एपीएस कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, एपीएस टू एमकेएस कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, एम के एस टू एफ एस कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया आप प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे आते हैं कि स्क्वायर का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे और ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए स्क्वायर के लिए जो फार्मूला है वो है ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इन स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं, तो एनी टू साइड जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसका एरिया निकल आता है। इस तरह ट्रायंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होते हैं और अपोजिट साइड इसके आपस में सेम होते हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी इसका एरिया निकल आता है। इस तरह ट्राइंगल में ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई सी, जब हम ये करेंगे तो इसका एरिया निकल आता है। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होते हैं वो ये ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई सी। इधर अगर ट्रेपेज़ॉइड पे आते हैं, ट्रेपेज़ॉइड का जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एच। एच हमारे पास हाइट है, यानी टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एच। एच हमारे पास हाइट है तो इस तरह इसका एरिया निकल आता है। सर्कल के जो फार्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास रेडियस है। जब इसको हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई कांस्टेंट, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है 3.14। पाई को जब हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सर्कल का एरिया निकल आता है। इस तरह फिर आते हैं एम के एस एंड ए पी एस सिस्टम के बारे में। एम के एस सिस्टम में जो ज़्यादातर यूनिट यूज होते हैं वो है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। किलोमीटर को हम शॉर्टली के एम लिख सकते हैं, मीटर को हम शॉर्टली एम लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को हम शॉर्टली सी एम लिख सकते हैं और मिलीमीटर को हम शॉर्टली एम लिख सकते हैं। इस तरह फिर ए पी एस सिस्टम में जो ज़्यादातर यूनिट यूज होते हैं स्टैंडर्ड, वो माइल, माइल को हम इस तरह पूरा के पूरा लिखते हैं। यार्ड के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है ओ आई डी है, फीट के लिए एफ टी है, इंच के लिए ये भी हम पूरा लिखते हैं और शॉर्टली इसको आई एन भी लिख सकते हैं। सूद को हम पूरा लिखते हैं, इस तरह इंच, फीट और सूद का एक और रिप्रेजेंटेशन भी है। इसके ऊपर जब हम एक डैश लगाते हैं तो ये फीट रिप्रेजेंट करता है, जब डबल डैश लगाते हैं तो इंच रिप्रेजेंट करता है और जब ट्रिपल डैश लगाते हैं तो सूद रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह फिर वन पर लॉन्ग इज इक्वल टू 220 यार्ड। फिर आती है एम के एस टू एम के एस। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए पी एस टू ए पी एस 1 माइल इज इक्वल टू 5280 यानी 5280 फीट के बराबर हैं। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूद। लीनियर कन्वर्जन एम पी एस टू एम के एस 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर, 1 फीट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। और फिर एम के एस टू ए पी एस 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। तो ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, इसको समझे। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।